हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष और ऑनलाइन टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर देख सकते हैं आपका जो पेज होता है वो प्रॉपरली मोनेटाइजेशन के लिए इंस्टेंट आर्टिकल के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूं, एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किए थे कि मतलब इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर पेज एलिजिबल कैसे होता है क्या नहीं, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। गाइज, सबसे पहले आपका जो फेसबुक का अकाउंट को ओपन कर देना होगा। अगर आप पीसी के अंदर ओपन करते हो तो आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल के अंदर ओपन कर रहे हो तो ब्राउजर के अंदर ओपन करिए, वहाँ पे आपका जो क्रोम ब्राउजर के अंदर डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर दीजिए, वहाँ पे लैपटॉप का मजा वहाँ पे उठा सकते हो। तो गाइज, हमारा यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो पेज का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका सारे पेजेस यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो पेज के अंदर आप मोनेटाइजेशन करने के लिए चाहते हो तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपका फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। मेरा फॉलोअर्स यहाँ पे आप देख सकते हो 1247 है, तो 1000 से ज़्यादा है। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा ये जो पेज एलिजिबल है या नहीं इंस्टेंट आर्टिकल के लिए। तो चलिए ये वाला पेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कुछ डिटेल्स यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड मेनू में इसके अंदर आपको क्लिक करना होगा पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने और एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप कितने सारे पोस्ट वगैरह पब्लिश करते हो ये सारे यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो। तो इसके ऊपर हम आपको अभी क्लिक कर देना होगा। ये क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिर से मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज एलिजिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेज एलिजिबल है या नहीं यहाँ पे दिख जाएगा और क्या कैसे सेटअप करना होगा ये सारे कुछ आप देख सकते हो। तो हमारा ये जो ओडिया नीतिवानी है, मैं ओडिशा से हूँ इसीलिए मेरा एक पेज है ओडिया नीतिवानी है, ये प्रॉपरली एलिजिबल है। यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा रहा है ये इंस्टेंट आर्टिकल के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पे सारे कुछ सेटअप करने के लिए यहाँ पे सेटअप के ऊपर क्लिक करके आपको सारे सेटअप करना होगा। और बाकी सारे मोनेटाइजेशन टूल जैसे कि इनस्ट्रीम एड्स और फैन सब्सक्रिप्शन ये सारे कुछ इनेबल नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को, ठीक है, ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो हमारा ये जो पेज है ये मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को पूरा पूरी कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि ना यहाँ पे 1000 फॉलोअर्स है इसीलिए हमको इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर अप्रूवल मिल चुका है, ये बिल्कुल एलिजिबल है। अभी सेटअप के ऊपर क्लिक करके बाकी सारे सेटअप कर सकते हो। तो ये सेटअप कैसे करेंगे अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं और एक वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊंगा, उसके अंदर बता दूंगा कैसे आप सारे सेटअप यहाँ पे इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर कर सकते हो। तो गाइज, आज का वीडियो में यही था, एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा वीडियो था और आपको पता होना चाहिए आपका पेज कैसे मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो गाइज, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमको सपोर्ट करो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।